Hello children, today we are going to start our remaining part of this chapter. Today our topic is wildlife. Animals that are able to bear the extreme cold of this region are found here during the short summer season when the land is covered with grasses and other vegetation. Reindeer, caribou, musk ox, wolf, polar bear, arctic fox and seals are found. ये सभी जानवर यहाँ पाए जाते हैं. ए नंबर ऑफ बर्ड ऑल्सो माइग्रेट हीयर ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन. दीज बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. ये बर्ड्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. मस ऑक्स, सील, पेंगुइन, रेंडियर पुलिंग स्लेज. ये सभी जानवर हैं जो इस प्रदेश में पाए जाते हैं. पेंगुइन्स आर टिपिकल फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन दिस रीजन. ये उड़ नहीं सकता है. ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होता है जो इस प्रदेश में पाया जाता है. द एनिमल्स हैव थिक फ्लैट लेयर्स बिलो देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. विद द ऑनसेट ऑफ विंटर दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स इन सर्च ऑफ फूड. ठंडे के दिनों में जो बर्ड्स हैं वो दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं भोजन की तलाश में, खोज में. सम एनिमल्स हाइबरनेट इन विंटर एंड कंजर्व देयर एनर्जी. द सीज इन दिस रीजन हैव ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ. सैलमन एंड कोड आर द कॉमन वैरायटीज ऑफ फिश. सैलमन और कोड क्या हैं? यहाँ के कॉमन फिश हैं. सील, वालरस एंड वेल्स आर सम टिपिकल सी एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड. सील, वालरस ये सब टिपिकल सी है, मतलब समुद्री जानवर जो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं. द रेंडियर इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन दिस रीजन. रेंडियर क्या है? वहाँ का सबसे यूजफुल एनिमल है. इट फुलफिल्स ए वैरायटी ऑफ पर्पोजेस. इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द आइस फ्रोजन लैंड ऑफ ग्रीनलैंड. ये ट्रांसपोर्ट के भी काम में आता है. इट्स मीट एंड मिल्क आर कंज्यूम्ड बाय द आर्कटिक पीपल. इसका ये लोग मीट और दूध दोनों ये लोग खाते हैं. द स्किन ऑफ द रेंडियर इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड टेंट्स. रेंडियर का जो स्किन है वो क्लोथ और टेंट बनाने में भी काम आता है. सो द रेंडियर्स आर रियर्ड बाई द ग्रीनलैंडर्स. नेक्स्ट द पीपल. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड स्कीमोस. ग्रीनलैंड ओरिजिनल हैबिटेंट्स जो ग्रीनलैंड को क्या कहलाते हैं? स्कीमो. उसी को इन्यूट्स भी बोलते हैं. ग्रीनलैंड हैज एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट सो इट इज थिनली पॉपुलेटेड. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट्स आर इन द वार्मर रीजन्स ऑफ द आइसलैंड दैट इज इन द नॉर्थ वेस्ट. द स्कीमोस आर शॉर्ट एंड स्टूट. ये छोटे और स्टूट होते हैं. दे हैव नैरो ब्लैक आइज एंड येलो स्किन विथ स्ट्रेट ब्लैक हेयर एंड हाई चिक बोन्स. देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्नो. इनका जो स्किन होता है वो स्नो से इन्हें प्रोटेक्ट करता है. लुक एट दिस पिक्चर. पीपल ऑफ ग्रीनलैंड. देखो इस पिक्चर में इस तरह के नज़र आते हैं. The clothes of the Eskimos are made from the skin and fur of animals like seal, reindeer and polar bear. ये सभी seal, reindeer और polar bear के skin से वहाँ के Eskimo के cloth बनाए जाते हैं. Both children and grown-ups wear trousers and knee-length boots made आउट ऑफ सील स्किन. सील स्किन से ट्राउजर और नी लेंथ बूट्स बनाए जाते हैं. दे आल्सो वियर कोट्स और जैकेट्स विद हुड्स लिंड विद फर. दिस इज कॉल्ड ए परका. उसे क्या बोलते हैं?
प्रकार। द एस्किमोस फूड कंसिस्ट ऑफ मीट ऑफ एनिमल्स लाइक रेनडियर, सील, वालरस एंड अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ईट फिश एंड कंज्यूम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड फैट और ब्लबर इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द कोल्ड। ये फिश और बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज के जो फैट और ब्लबर सब होते हैं उसे वो खाते हैं। दे ड्रिंक मिल्क प्रोवाइडेड बाय द रेनडियर, ये रेनडियर का दूध पीते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द एस्किमो इज हंटिंग, वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग। देयर मेन हंटिंग वेपन इज ए हार्पून, उनका मेन जो हंटिंग वेपन है औजार हो क्या है, हार्पून। सो चिल्ड्रन, टुडेज क्लास इज ओवर।